हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समरसेट वर्सेस डेवर्शायर के मैच प्रेडिक्शन के बारे में और पिच चौपट के बारे में। गाइस, पिच चौपट के बारे में बात करने से पहले आप सभी को बता देती हूँ, द जाफी प्रेडिक्शन के नाम से नहीं गाइस, उससे पहले आप सभी ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी गाइस आप वहाँ पर लाइक सब्सक्राइब कर लेना। गाइस, वहाँ पर आपको बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। तो गाइस, आप सभी ने मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना। और द जाफी प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप सब अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो जाकर ज्वाइन जाना। गाइस, वहाँ पे आपको बैक टू बैक अपडेट मिलेगी, आपका लॉस नहीं होगा, पॉकेट कमाओगे, लॉस में जाने की बिल्कुल मत सोचना, पॉकेट कमाना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया होगा और यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दिया, तो आप उसे क्लिक करोगे तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाओगे। आपको वहाँ पे बैक टू बैक अपडेट मिलने के चांस रहेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दिया हुआ। गाइस, बात करेंगे, चलते हैं मैच की तरफ। बात करते गाइस, हम बात करेंगे पहले अपन पिच चौपट के बारे में। तो गाइस, इस पिच की खास बात यह है कि गाइस यहाँ पर जो फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसके 57% विन होने के, जो सेकेंड बैटिंग पर टीम आएगी उसके 43% लेने के विन होने के। तो गाइस, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर जो फर्स्ट बैटिंग पर टीम आएगी उसके विन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। बात करेंगे टीम फॉर्म के बारे में, बात करेंगे पेस वैसे स्पिन के बारे में। तो गाइस, यहाँ पर जो पेस मतलब कि पेस बॉलिंग करेगा, मतलब कि यहाँ पर जो तेज बॉलिंग करेगा उसके 77% विकेट लेने के, जो स्पिन बॉलिंग करेगा यानी धीरे बॉलिंग करेगा उसके 23% विकेट लेने के, मतलब कि गाइस यहाँ पर जो तेज बॉलिंग करेगा उसके विकेट लेने के ज़्यादा चांस है। तो गाइस, आपको पता ही, जो तेज बॉलिंग करेगा वो विकेट ज़्यादा लेगी वाली टीम, तो इसके लिए आपको ध्यान से मैच रखना पड़ेगा कौन सी टीम ज़्यादा तेज बॉलिंग कर रही है, क्योंकि उस टीम के विकेट लेने के ज़्यादा चांस रहेंगे और वो टीम विन होने के ज़्यादा चांस रहेगी। बात करेंगे टीम फॉर्म के बारे में। ऐसे यहाँ पर लास्ट के 5 मैच हुए थे गाइस, उसमें से समरसेट ने 3 मैच विन किए, 2 मैच लूज करे, 3 मैच विन के 2 मैच लूज गए। इधर बात करेंगे डीबीएस के बारे में, गाइस डीबीएस ने 4 मैच विन किए, 1 मैच लूज गया, मतलब कि यहाँ पर डीबीएस अपनी फॉलो टीम सपोर्टिव टीम रहेगी क्योंकि उस टीम के विन होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। बात करेंगे अपनी फॉलो टीम सपोर्टिव टीम डीबीएस ही रहेगी गाइस, आप उसी को फॉलो करना, सपोर्ट करना। बाकी एक अपडेट आपको बैक टू बैक टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी। अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो वहाँ जाके ज्वाइन जाना, आपको वहाँ पर जयपुर इंसान जयपुर मैच मिलेगा। गाइस, बने रहना डीबीएस के साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।